एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 117 चरों पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 4 महीने आप लोगों के जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, कौन से बदलाव आने वाले हैं, किस तरीके से एनर्जीज रहने वाली हैं और एज यूजल क्या गाइडेंस है, एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, ये इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हों, जो भी कार्ड या फिर एंजल नंबर से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हों, आप वो ऑप्शन को अपने लिए चूज कर सकते हैं हो, या फिर से अगर कोई एंजल नंबर आपको इनमें से बार बार ही दिख रहा है तो आप वो रीडिंग को भी अपने लिए ले सकते हो कि ऐसे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पर ये लाइट का कार्ड, ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है यहाँ पर ये इनर ब्यूटी का कार्ड। तो आप आराम से चूज कर लें। साथ में अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं भी करती है कुछ लोगों से, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करती, तो परेशान नहीं हुआ करिए। मैं डेली रीडिंग्स आप लोग के लिए लेकर आती रहती हूँ, आप कोई और रीडिंग अपने लिए देख सकते हो। भगवान जी से प्रेयर करो कि नेक्स्ट टाइम वो आपको गाइड करें, आपका मार्गदर्शन करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें अपनी, ठीक है। एंड डेफिनेटली कोई ना कोई रीडिंग आप लोग को फिर आपके लिए ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रीडिंग्स में, उनके लिए फिलहाल ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में लाइट के कार्ड को चूज किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 4 महीने आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, कौन से बदलाव हो रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के जीवन में, कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है एंड आप किसी भी एज ग्रुप से हैं तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रोशनी का कार्ड आप लोगों ने चूज किया है, तो ये जो नेक्स्ट 4 मंथ्स हैं आप लोगों के लाइफ में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको एक एनलाइटनमेंट, एक रोशनी मिल रही है कि आपको आपके लाइफ में आगे कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, कहाँ ध्यान देना है, किन चीजों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पे रखना है। बैलेंस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नजर आ रहा है, एक सही डायरेक्शन में मैं आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। कुछ चीजों को पीछे छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो अपनी लाइफ में से, कुछ चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप लोग, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी आ रही है और बहुत सारी जैसे होप्स आपको मिल रही हैं कि आपके लिए ये भी पॉसिबिलिटी है, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ऐसे मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए नजर आ रहे हैं। ये बहुत सारे जैसे ऑप्शंस यहाँ पर खुल रहे हैं आप लोगों के लिए, दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं, पोर्टल्स यहाँ पर आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, अपने पोटेंशियल को आप लोग कहीं ना कहीं पहचान पा रहे हो। मुझे बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट, और सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट एनर्जी है वो है बी रेडी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। देखते हैं अभी यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाले हैं ये 4 मंथ्स, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। भगवान जी से मन ही मन प्रेयर करते रहना कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ सॉट्स, ठीक है, किंग ऑफ वांड्स, एम्प्रेस। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी को, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लेने को आप लोग अपनी लाइफ में तैयार हो ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर पास्ट में बहुत सारी तकलीफें रही हैं, पेन रहा है, आपके अपने लोगों ने परेशानी क्रिएट करी, प्रॉब्लम क्रिएट करी, आपको डाउन फील कराने की कोशिश करी, लेकिन आप लोग अब ऐसे हो जो कि नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं करोगे, जो कि किसी के टॉक्सिक बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करोगे। अपने साथ कोई भी इंसान आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, सही तरीके से बात नहीं कर रहा, चाहे वो आपका कितना भी अपना हो, आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर लोगे, बिकॉज यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में अब एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। आपको ऐसा होने वाला है कि ये मेरी छोटी सी जिंदगी है और मुझे इसे खुलकर जीना है, मुझे खुलकर इंजॉय करना है, जो मेरे को समझ रहा है इंसान जो मेरे साथ खड़ा है उसके साथ मैं भी खड़ा हूँ, ठीक है ना। यानी कि जो सही इंसान है उनके साथ आप लोग अपना सर्कल रखोगे, उनके साथ वक्त बिताओगे, और अदरवाइज से यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को लेट गो करने वाले हो अपनी लाइफ में से, सीरियसली। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी के पीछे मुड़कर फिर देखोगे नहीं वापस, मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है कि इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, है ना।
मतलब अब टॉक्सिसिटी ड्रामा आप लोगों को नहीं चाहिए, आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए ऑप्शन फर्स्ट, और इसके चलते आप बहुत सारी चीज़ों को भाई निकाल रहे हो अपने जीवन में से, मुझे ये नज़र आ रहा है। बहुत डिसीजंस ले रहे हो, अब ये जो डिसीजंस हैं ये छोटे छोटे डिसीजंस रहने वाले हैं, आज से मुझे इन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे बहुत से लोग, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे बहुत से लोगों को आदत है पूरे दिन स्क्रॉल करने की, बस रील्स देखे जा रहे हैं। आप रेजोल्यूशन लेने वाले हो, मुझे अपना टाइम केवल 10 मिनट देना है दिन में इस चीज के लिए, और आप बहुत ज्यादा फिक्स हो जाओगे अपनी चीजों पे। मतलब एक होता है ना डिसिप्लिन में आ जाना कि अब मैंने इतना डिसाइड करा है मुझे इतना ही देना है ना। तो चीजों को लेके बहुत ज्यादा चूजी हो रहे हो आप लोग ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ये नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। बाकी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये कार्ड ये माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के जीवन में। ये 4 महीने आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं, वैसा नहीं कि, लेकिन यहाँ पर ना वो नींव रख दी है आपने अपने बेटरमेंट के लिए कि मुझे मेरे बेस्ट वर्जन में आना है, मुझे डेली आधे घंटे रीडिंग को देना है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे डेली आधे घंटे जो है मैं कोई अच्छी किताब पढ़ूंगा, मुझे आधे घंटे की वॉकअप से डेली करनी है ना, मुझे 15 मिनट डेली मेडिटेशन को देना है, ज्यादा नहीं, मैं 15 मिनट डेली मेडिटेशन को दूंगा या दूंगी। तो आप अपना टाइम फ्रेम कुछ ऐसे डिसाइड करने वाले हो, टाइम पहले भी उतना था अभी भी उतना ही है, लेकिन अब आप एक डिसिप्लिन वे में चल रहे हो, है ना। ये चीज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छी आदत, बहुत अच्छी हैबिट्स को आप लोग अपनी लाइफ में अपना रहे हो। आपने बहुत कुछ सीख लिया, सब मतलब समझ लिया कि कुछ नहीं रखा टाइम वेस्ट करने में, कुछ नहीं रखा बेकार के झंझटों में पढ़ने में, और मैंने आप बहुत चूजी हो रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए क्योंकि अब आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, सही रास्ते पर चल रहे हो कहीं ना कहीं, ये चीज मैं देख रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ना पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो पैसे के ऊपर आपका बहुत ही फोकस रहने वाला है। ठीक है, आपका ऐसा है कि अब मुझे वक्त आ गया कि मुझे मेरी इनकम ऑफ सोर्सेस बढ़ाना है, मुझे मेरी इनकम अच्छी जनरेट करनी है। ख्वाहिशें बढ़ रही हैं आप लोगों की, आप ऐसे रेजोल्यूशन ले रहे हो कि अगले 1 साल में 2 साल में मुझे मेरा घर बनाना है, मुझे ये सो एंड सो, मुझे ये कार चाहिए अपने लिए, मतलब कुछ बड़ी परचेज है ना, कुछ बड़े ऐसे रेजोल्यूशन आप अपने लिए डिसाइड कर रहे हो, और फिर उनके लिए आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, आप उनके लिए यहाँ पर एफर्ट्स कर रहे हो, आप उनके लिए यहाँ पर काम कर रहे हो। यहाँ पर लाइफ की एक जंग तो आपने जीत ली, जो जंग आपकी खुद से थी कि अपनी बुरी आदतों से बाहर नहीं आ पा रहे हो, पता है कि ये चीज लेट गो करनी है, नहीं कर पा रहे हो, तो उन सारी चीजों से तो आप उभर के बाहर निकल रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर जो एक नेक्स्ट फेज रहने वाला है, यहाँ पर जो स्ट्रगल चलेगी, जो काम चलेगा, वो होगा आपके करियर के लिए, और ये इन 4 महीनों में यहाँ पे ये जो जर्नी है ना ये आपकी शुरू हो जाएगी। इस सब के बीच में मैं ये देख रही हूँ कि आपको आपकी फैमिली से बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है, आपके जो भी करीबी रिश्ते हैं वो आपको समझ रहे हैं, आपको पूरा साथ दे रहे हैं, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करोगे अपनी फैमिली के साथ, कोई ट्रिप बना ली, या जैसे कोई रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो है ना, दर्शन कर रहे हो, ऐसा भी मुझे वो ब्लेसिंग्स, जैसे आप ब्लेसिंग्स लेने कहीं जा रहे हो, पता नहीं, ऐसे मुझे यहाँ पे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कुलदेवी के दर्शन करने के, जैसे क्योंकि आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हो, तो आप जिनको भी बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में मानते हो डिवाइन के जिस भी रूप को, आप कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग लेने जा रहे हो। मुझे बहुत सारे लोग के लिए माँ दुर्गा, अब वो उनका कोई भी रूप हो सकता है, कोई भी मंदिर, कोई भी प्लेस हो सकता है, स्पेशली जैसे पहाड़ों पे जो एरियाज है ना, मुझे पता नहीं क्यों वो हाईलाइट हो रहे हैं, तो यस कुछ लोग बना सकते हैं अपना ट्रिप, अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, ये चीज मुझे नजर आ रही है। इसके साथ में आपको आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज में सुनने को मिल सकती है, किसी का बेबी रिगार्डिंग, कोई कंसीव कर रहा है, किसी का बेबी होने वाला है, या किसी की इंगेजमेंट हो रही है, किसी का बड़े भाई है बहन है उनका रिश्ता फिक्स हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन यस मुझे यहाँ पर इस तरीके की मैसेज मिल रहा है कि यस कोई खुशियां आपके घर में, आपके परिवार में आने वाली हैं, ये चीज यहाँ पर है, और इसी बीच आपकी भी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं ऑप्शन फर्स्ट, क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए, कैसे रहने वाले हैं आपके नेक्स्ट 4 मंथ्स। एक्सप्रेशन, स्ट्रेंथ एंड
क्लींजिंग, यस यही एग्जैक्टली एनर्जी थी. अब पता है यहाँ पर मुझे ऐसे भी मैसेज मिला था कि बहुत सारी चीज़ें ना जो कि आपके यूज़ की नहीं है, आप उनको निकालने वाले हो, लाइक ये कपड़े मुझे नहीं पहनने, ये मुझे नहीं करना, सब बाहर कर दो, सब बाहर कर दो, पूरा कम्प्लीटली जैसे आप डिटॉक्स ले रहे हो. है ना, ये चीज़ यहाँ पर, ये एनर्जी आप लोग के लिए यहाँ पर है. एक्सप्रेशन का कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए आया है, और ये कार्ड बता रहा है खुलकर एक्सप्रेस करना, खुलकर अपनी फुल फॉर्म में आना. पहले जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेशन रखते थे, अपनी बात को कहने से डरते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जा रही हैं. कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है इन 4 मंथ्स में. अपनी बात को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है, किस तरीके से अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है, अपने आप से प्यार करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए आ रही हैं. स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इन 4 मंथ्स में आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने वाले हो. आपको पता है क्या था, इसके बिना मैं कैसे रहूंगा, ये मेरी बुरी आदत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता. लेकिन अब आप कहोगे नहीं, मैं इसे छोड़कर दिखाऊंगा. है ना, तो अपने आप से कुछ जंग है यहाँ पर आप लोगों की, और जिनमें कि आप जीत रहे हो भाई, जिनमें आपको सक्सेस मिल रही है, और आपको खुद पर बहुत प्राउड फील होगा, ये मुझे नजर आ रहा है. नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप कुछ ऐसा करोगे, आपको खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील होगा कि लाइक मैंने ऐसे ऐसे सोचा था और मैंने ऐसा करके दिखाया. तो वो चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है. और देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस है. कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. ऑप्शन फर्स्ट, माय गॉड, लेटिंग गो, आई सरेंडर जॉयसली टू द एविंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ. मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें लेट गो कर रहे हो, और सी अभी तो यहाँ पर कार्ड भी आ गया. और ये पता है लिटरली ये बहुत ज़रूरी होता है. हम चीज़ों को इनवाइट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम अबंडेंस को अपनी लाइफ में चाहते हैं, हम नई नई शॉपिंग करके परचेज कर ले. भाई पुरानी चीज़ों को भी तो निकालो ना, अब ये इतना स्पेस है मेरे पास, अब इसमें मैं कुछ भी रख लूँ, राइट? तो स्पेस क्रिएट करोगे तब भी तो अबंडेंस आएगी ना. तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो स्पेस क्रिएट कर रहे हो. ये 10 ऑफ सॉट्स यहाँ पर ना, वैसे इसे जनरली थोड़ा सा ऐसे बोला जाता है, पेन है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन ये लेट गो तो भाई आप बड़े आराम से कर रहे हो, ये मेकिंग अ डिफरेंस. यस, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने हैं, और आप छोटे छोटे से रेजोल्यूशन भाई ले रहे हो अपने लिए. ऐसा नहीं कह रही मैं कि कोई बहुत बड़ा रेजोल्यूशन ले रहे हो, आप छोटे छोटे रेजोल्यूशन, जैसे मैंने कहा ना, मुझे 30 मिनट्स रीडिंग करनी है, मुझे 30 मिनट वॉक करनी है, मुझे 15 मिनट मेडिटेशन करना है, ऐसे आप डिसाइड कर रहे हो अपने लिए. एफर्मेशंस लिख रहे हो, मुझे डेली एफर्मेशन चैंट करनी है ना. तो ये चीज़ छोटे छोटे डिफरेंसेस, मतलब बेबी बेबी स्टेप्स यहाँ पर आप लोग ले रहे हो. और आप चाहो तो भाई लिख लो, आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो आप लिख लो कि आप आज किस सिचुएशन में हो, किस हालत में हो, कैसे चल रहा है सब कुछ, कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या आप अपनी लाइफ में बदलाव करना चाहते हो, पूरा एक जर्नलिंग करो जितना भी आपको टाइम लगे. और अगस्त मंथ के बाद फिर आप उसको पढ़ के देखना, ना आपको पता चलेगा कि कितने डिफरेंस आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है ना. तो चलिए अभी देखते हैं. और कभी कभी पता है क्या होता है कि चेंजेस इस तरीके से हो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है. हमारी लाइफ में ही हम हील हो रहे होते हैं, हम आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो चीजें इस तरीके से हो रही होती है, हमें डिफरेंस ही नहीं पता चलता है. आप लिख लोगे ना अपनी स्टेट और फिर उसको रीड करोगे, देन आपको पता चलेगा, ठीक है ना. इसलिए जर्नलिंग बहुत ही हेल्पफुल रहती है. चलिए और देखते हैं यहाँ से. ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है. ऑप्शन फर्स्ट, ग्रे स्क्वायरल, फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुराने तरीके अब बेकार हो गए, ठीक है ना, अब नए तरीके ढूंढो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के. लड़ना झगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना. यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, उस पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिपेंड करने वाली हैं. सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर जो आपको पड़ेगी ना, वो ये कि आप किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं हो, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप अपने ऊपर हौसला रखो, और कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करो किसी भी चीज का, किसी भी बात का. ये यहाँ पर कहा जा रहा है. स्नेक का यहाँ पर कार्ड आया है, लिव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एसेंस. यू नो, दूसरों के हिसाब से यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं ढलना है, आपको अपने नेचर को जानना है, अपने आप को पहचानना है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, जो आपका दिल कहता है, वैसे आपने रहना है, अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए एफर्ट्स करने, काम करने,
ऐसा नहीं कि दूसरों को प्लीज करने के लिए काम करना है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम दूसरों के हिसाब से ढलते 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 ये भूल ही जाते हैं कि हम आखिर में हैं क्या, है हमारी खुशी किस में है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हम कैसे पर्सन हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 मंथ्स की जर्नी है ये खुद को याद करने की जर्नी है ना। आप समझने वाले हो कि मैं क्या, जैसे किसी 9 to 5 जॉब में और वही पूरा रूटीन हो गया है, बस चल रहे हो और सुबह उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और ऐसे पूरा दिन निकल जा रहा है। सीखा क्या? कुछ नहीं, मतलब वही उसी पिच पे लाइफ चल रही है, पैसे आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, मतलब। लेकिन अब आपके अंदर ये अवेकनिंग आने वाली है, मैं कर क्या रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल, क्या केवल यही लाइफ है? क्या केवल, या इससे भी कुछ और वास्ट है, या इससे भी कुछ बहुत अलग है? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होंगे और ये आपके बेस्ट के लिए ही होंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, आई एम सॉरी, पता नहीं वैसे मेरा गला खराब नहीं है पर पता नहीं मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों ने ना यहाँ पर अपने मन में बहुत सारी बातें दबा रखी हैं और उसका ये रिजल्ट है। लेकिन यस, आप लोग अब खुल के अपनी बातों को बोलोगे। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर। तो यहाँ पे कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि भाई तुम अपना कर्म करो, अपने साथ भी अच्छा करो, दूसरों के साथ भी अच्छा करो और बाकी सब कुछ कान्हा जी के ऊपर छोड़ दो, अपना विश्वास रखो। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं ना तो वो लौट कर आपके पास जरूर आएंगे, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में। आपने परेशान नहीं होना है, आपने खुश रहना है। ठीक है ना, ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए मिल रहा है। आप लोग चाहें तो पाइराइट, सी ये पाइराइट है और अगर आप पाइराइट को वेयर करते हो, उसका ब्रेसलेट या पेंडेंट, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में कुछ लोग अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं। चेंज है भाई, ये जो नेक्स्ट 4 मंथ्स हैं ये बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये मतलब ये फिक्स है कि ये आएंगे ही आएंगे। इस तरीके की कलेक्टिव एनर्जीज कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रहने वाली हैं, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें हो सकता है रेजोनेट करें नहीं करें, लेकिन चेंज सबके लिए है जो भी इस रीडिंग पे आए हैं लोग। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट, ये बहुत ही अच्छी रीडिंग रही आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी इससे। सो रीडिंग को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1212 एंड साथ में इनर ब्यूटी का कार्ड चूज किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, कौन से बदलाव आने वाले हैं, सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने की कोशिश करेंगे। सो ये कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। ये जो रीडिंग है इसे कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, साथ में आप किसी भी एज ग्रुप से हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड मन ही मन भगवान जी से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। ऑप्शन टू, ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड है 4 of Cups एंड एस ऑफ कप्स। बहुत टाइम से कोई चलता आ रहा कंफ्यूजन था या कोई लंबा इंतजार था भाई, वो वेट यहाँ पर अभी पूरा हो रहा है आप लोगों का। 2 of Pentacles की एनर्जी है यहाँ पर, और देखते हैं यू नो यहाँ पर कैसी एनर्जी आ रही है। वो एक एक कुछ ऐसे कहावत है कि बगल में ढूंढा नहीं, गांव में ढूंढा बगल में, कुछ ऐसे है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से सब जगह तलाश कर रहे थे लेकिन वो चीज़ कहीं आपके ही आसपास थी। और नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपको कुछ मिलने वाला है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई प्रेजेंट मिल रहा है, कोई तोहफा मिल रहा है,
आपको अपने किसी गॉड गिफ्ट के बारे में पता पड़ रहा है, आपको अपने बारे में कुछ पता चल रहा है, आपको कुछ रियलाइजेशन यहाँ पर अपने आप को लेकर हो रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग है। और ये जो अवेकनिंग है ना, ये ऐसी नहीं है कि वो टावर गार्ड वाली, ये अवेकनिंग जो है बड़ी स्वीट सी एनर्जी के साथ अवेकनिंग है। जैसे कहीं बैठे हो, बहते पानी को देख रहे हो, अचानक से जैसे कुछ इंसाइट्स आई, कुछ अपने आप के बारे में पता पड़ा, आपकी इंट्यूशन ने आपसे कुछ कहा। ये चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। नेक्स्ट 4 मंथ्स में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी प्लानिंग आप लोग करने वाले हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितनी प्लानिंग करो सारे कामों पे एग्जीक्यूट कर लो। थोड़ा सा यहाँ पर डिटर्मिनेशन एंड विल पावर की कमी मुझे यहाँ पर आप लोगों की लग रही है फिलहाल। बताती हूँ मैं सारे कार्ड्स देख के। ऑप्शन 2 यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, सो ऑप्शन 2 नेक्स्ट 4 मंथ्स में, जैसे मैंने सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो कार्ड हाईलाइट है पूरी रीडिंग में, वो एस ऑफ कप्स ही है। अपने आप को लेकर कुछ रिवील होने वाला है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हज़ारों टेक्निक है ना, लेकिन किसी एक के लिए ना कुछ एक ही चीज़ बहुत अच्छे से काम कर जाती है, राइट? तो वैसा कुछ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ कि आपके साथ क्या चीज़ काम कर रही है, कौन सी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर पा रही है, किसके साथ आप ज़्यादा काम कर पा रहे हो, किसके साथ आप ज़्यादा आगे बढ़ पा रहे हो। ऐसा कुछ रियलाइजेशन आप लोग को कहीं ना कहीं होने वाला है नेक्स्ट 4 मंथ्स में, और आप फिर आगे जाके उस एनर्जी के साथ सस्टेन रहोगे, काम करते रहोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त ना आपको आपकी लाइफ को लेके बहुत सारी प्लानिंग है, एक लिस्ट आप लोगों ने बना रखी होगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, ये होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, उसमें से 50% भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये एक गाइडेंस की तरीके से आप लेना कि जो भी लिस्ट आपने बनाई है उसको अगर प्रॉपरली अचीव करना है तो टाइम फ्रेम भी डिसाइड करो, कितने टाइम में कितना अचीव करना है, हर दिन का काम जो है वो इक्वली डिवाइड करो। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा दुविधा से में रह सकते हो, स्केप्टिकल रह सकते हो, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मुझे किस स्ट्रीम को फॉलो करना चाहिए, मुझे कौन सा अपने लिए करियर फील्ड चूज़ करना चाहिए, मुझे कौन सा अपने लिए ऑफिस चूज़ करना चाहिए। बहुत सारा लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये जो कन्फ्यूज़न मुझे स्पेशली नज़र आ रहा है आपके करियर को लेकर नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप लोग आपके आसपास वाले लोगों को देख रहे हो, इसने ये काम किया, इसे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, इसका पे स्केल बहुत अच्छा है, इसने ये काम किया, इसे बहुत सक्सेस मिल गई है। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर ढूंढें, दूसरों को नहीं देखें। ऑफकोर्स दूसरों से इंस्पिरेशन हमें लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने अंदर देखें कि आप किस काम को बहुत ही अच्छे से ब्यूटिफुली कर सकते हो। सबकी लाइफ जर्नी अलग है, सबका सबका अपना अपना पार्ट है भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, अपने तौर तरीके हैं। तो आपने यहाँ पर अपने आप से कनेक्ट करना है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे अगेन डिसिप्लिन के बारे में बता रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। आप लोग ना किसी को अपनी बात भी बोलते होंगे ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा, खुद पर डाउट बहुत ज़्यादा आप लोगों को रहते हैं हमेशा, है ना। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो डिसीजन लेने में, जैसे आप मार्केट भी शॉपिंग को गए ना, आपको दो चीज़ों में आप अटक जाते होंगे, अभी मैं ये लूँ, मैं ये लूँ, मैं ये लूँ, मैं ये लूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी के ऊपर ऑप्शन 2 आप लोग को काम करना है नेक्स्ट 4 मंथ्स में। मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और अगर आप सन की एनर्जी से कनेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप सन की एनर्जी लोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जैसे आप सूर्य नमस्कार कर लो, ठीक है ना, सन का जो एनर्जाइज वाटर रहता है वो प्रिपेयर कर, लेकिन उसकी पूरी टेक्निक पहले सीखना, किस तरीके से कंज्यूम करते हैं, कैसे करते हैं, सारा कुछ सीखना फिर ही कंज्यूम करना। और सूर्यदेव को आप डेली जल चढ़ाओ, सूर्य नमस्कार करो, ये कुछ चीज़ें हैं सन की एनर्जी को लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कही जा रही हैं। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से कोई एक चीज़ थी, कोई एक किस्सा था, कोई कहानी थी जो अटकी पड़ी थी, ना तो चालू हो रही थी ना ख़त्म हो रही थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर आप लोगों को कोई क्लोजर मिलने वाला है आपकी लाइफ के किसी साइकिल्स को। और कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हैं, फाइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग का ये जो डिसीजन है वो शादी के रिलेटेड भी हो सकता है अरेंज मैरिज के थ्रू आपके लिए कोई रिश्ता आ जाए, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए। तो बहुत सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है ऑप्शन, क्योंकि नेक्स्ट 4 मंथ्स में बहुत कुछ रहने वाला है, बहुत कुछ चलने वाला है आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है आपको बिल्कुल आपके कोई अपोजिट पर्सन हो वो बहुत ज्यादा पसंद आए,
है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स, कुछ ऐसा हो जाए. लेकिन यस, कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं आपकी लव लाइफ को लेकर भी देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है. दो लोगों में से हो सकता है आपको चूज करना पड़े. ठीक, एक वो पर्सन हो सकता है जो जो कि आपको कमिटमेंट दे ही नहीं रहा है उनमें से, और एक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू आ रहा है, या आपकी फैमिली आपको सजेस्ट कर रही है. तो यस, आप शायद अपनी फैमिली के साथ ही आगे बढ़ोगे. यही चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है. नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपको हेल्प मिलने वाली है किसी ना किसी तरीके से. आपके कोई फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प कर रहे हैं कुछ डिसीजंस लेने में बड़े आपकी लाइफ के. ये चीज़ यहाँ पर है. शादी को लेकर कुछ प्रोमिनेंट होने वाला है भाई, कुछ यहाँ पर ये प्रोमिनेंट एनर्जी है. रिश्ता फिक्स हो रहा है, शादी हो रही है, या फिर से आपको आपके परफेक्ट पर्सन मिल रहे हैं जैसे आप ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे अपने लिए. लेकिन बस कंफ्यूजन वाली स्टेट में नहीं रहना है. पता चले मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन सामने आकर आप देख रहे हो उधर उधर. है ना, इससे भी कोई और बेटर हो, उससे भी कोई और बेटर हो. तो यहाँ पर आपने समझना है, अपनी इंट्यूशन को समझना है. रिसीविंग मोड में आपने यहाँ पर रहना है, ये मैसेज यहाँ पर है. ओके, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2. ट्रांसफॉर्मेशन, डोमेस्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ. इनर ब्यूटी का कार्ड भी था यहाँ पर, और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अपने अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो. जैसे कुछ लोग अपना रेजोल्यूशन लेने वाले हैं, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट गेन करना है, लेकिन अगेन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कि रेजोल्यूशन लिया है तो फिर उसे निभाना है. नहीं तो होगा तो सही ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो चीज़ 2 महीने में होने वाली थी वो 4 महीने में होगी, राइट? तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आपके लिए आ रही है. और आपका बहुत ज़्यादा ध्यान, आपको पता है सुकून जैसे किन चीज़ों में मिलेगा? कुकिंग करने में, क्लीनिंग करने में, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ. आपको आपका घर ज़्यादा पसंद आने लगेगा बजाय भीड़ भाड़ के. आपको अपने घर पे, जैसे कोई मूवी देखनी है आप अपने घर पे ही स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट? तो वो चीज़ मुझे अपने आप की एनर्जी, एक अपने कंफर्ट स्पेस में आप लोग कहीं ना कहीं रहना पसंद करोगे. जैसे अब आपको फास्ट फूड, जंक फूड भी नहीं खाना, आपको घर घर का बना हुआ जो हेल्दी एकदम बड़ा सिंपल सा जो फूड है वो आपको पसंद आने लगेगा. कुछ ऐसे चेंजेस मैं आप लोग के अंदर देख रही हूँ. और लाइट एनर्जी में आ रहे हो कुछ लोग, लाइट एनर्जी. बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन था आप लोगों का इन 4 मंथ्स में. आप कोई बहुत बड़ा जो हैवी बर्डन आपके दिल पे रखा हुआ था आप उसको रिलीज कर रहे हो, किसी को माफ़ कर रहे हो, किसी को लेट गो कर रहे हो, कहीं से मूव ऑन कर रहे हो. वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है. और सबसे अच्छी बात यह है कि विद अ स्माइल, यहाँ पर रोना धोना नहीं मचा रहे आप लोग, स्माइल के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में. एक्सेप्ट कर रहे हो कि कभी कभी हमारे मन का सा नहीं होता, लेकिन अभी जो है उसमें खुश रहना चाहिए. तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है. स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर आप लोग के लिए. ऑप्शन 1 के लिए भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था. कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो, अपनी शक्ति को पहचान रहे हो, अपनी किस्मत को समझ रहे हो, उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो. और किस्मत के ऊपर मैं रीडिंग भी कर चुकी हूँ, आपकी किस्मत में क्या लिखा है आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2. बिलीविंग एंड मैजिक, सेवरिंग प्लेजर. ओके, सो देखो, लाइफ में सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यही है कि लाइफ में हमारे बहुत सारे टफ एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन हमें फिर भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती पर बिलीव है. हम पॉजिटिविटी की तरफ अपना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. तो यहाँ पर जब आप पॉजिटिव रहना सीख रहे हो, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत सारे मैजिक को अपने साथ एक्सपीरियंस करने वाले हो. लेकिन ये लोग वही करने वाले हैं जो कि मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, एफर्मेशन दे रहे हैं. ऐसा नहीं कि अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर उसको ये मैजिक हो एक्सपीरियंस होगा. नहीं, मैजिक पर जब आप बिलीव करोगे तो कुछ ना कुछ मैजिक आप लोगों की लाइफ में ज़रूर होगा. और यहाँ पर जैसे खजाने खुल रहे हैं, जो चीज़ें आपने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये मिलनी चाहिए वो भी आपको मिल रही हैं. लेकिन वो कब मिल रही हैं? जब आप कंप्लीटली प्यार की स्टेट में एंटर करो, जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है.
ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। साथ में यहाँ पर सेवरिंग प्लेजर, तो अपने से प्यार करना है ना, जो चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है वो करना। कुछ लोग के लिए उनका स्किन केयर हो सकता है, उनका हेयर केयर हो सकता है, कुछ लोग के लिए कोई एक सिंपल सा म्यूजिक लगाकर थिरकना हो सकता है, कुछ लोग के लिए गाना गाना हो सकता है, कुछ लोग को अपने लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना हो सकता है, स्पा हो सकता है। आप अपने लिए पैसे जुटा रहे हो और अपनी लग्जरीज पे, या आप जो चीज़ों से आपको एक्सवाइजेड जो भी चीज़ें हो सकती हैं आप उन पर खर्च कर रहे हो। आपका मेन मुद्दा रहने वाला है नेक्स्ट 4 मंथ्स में, मैं अपने आप को कैसे खुश रखूं। और ये बहुत ही अच्छा है ना। और आप इस चीज के ऊपर अपना इन्वेस्ट भी कर रहे हो, एक्सपेंड भी कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा ही भाई एक ही जिंदगी, और मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करूं, मैं अपने आप को खुश नहीं रखूं तो फिर क्या फायदा। तो यस, यहाँ पर कुछ एक्सपेंसिव चीजें भी आप अपने लिए लेने वाले हो। मुझे यहाँ पर एकदम जैसे कुछ अच्छे परफ्यूम्स के, मुझे यहाँ पर जैसे बॉटल्स दिख रही हैं, कुछ अच्छे परफ्यूम्स आप अपने लिए लेने वाले हो। बेसिकली जो चीजें आपको सुकून देती हैं, है ना, जो भी कुछ आप वो अपने लिए कहीं ना कहीं करोगे, कैसे भी मैनेज करके, सेविंग करके, लेकिन करोगे। और ये कहीं ना कहीं आपका एक सेल्फ लव को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, सेल्फ लव बढ़ रहा है यहाँ पर ऑप्शन 2। और यही एक रीजन है कि आप लोग अपनी लाइफ में एक पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये परमानेंट ही होंगे, मुझे ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए। और अगर आप लोग मैरिड हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपकी मैरिड लाइफ में एक स्टेबल स्टेट आ रही है। लाइक बहुत टाइम से हो सकता है गुस्सा मनाना, रूठना, प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक स्टेबल स्टेट का आना, क्योंकि अपनी रिस्पेक्ट करना सीख रहे हो, अपने आप को प्यार करना सीख रहे हो, अपने आप को वैल्यू देना सीख रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे वुल्फ एनर्जी, बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। पता नहीं यहाँ पर कहा जा रहा है रिश्ते में स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए मिला है, रिश्ते में स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है। तो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप भी सामने वाले के स्पेस को समझें, और सामने वाले को भी ये किसी तरीके से रियलाइज कराएं कि आपका स्पेस भी उतना ही ज़रूरी है। हाँ, और साथ में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, जो कि टीम वर्क के बारे में भी बताता है। तो कुछ लोग नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप लोग के लिए, मतलब आपकी ग्रोथ के लिए टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर है। एलिफेंट, ओपन योर सेल्फ टू ट्रू अबंडेंस। वाओ, देखो नेक्स्ट 4 मंथ्स में ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बहुत सारी अबंडेंस आ जाएगी, एकदम से प्यार आ जाएगा, नहीं। लेकिन आप समझ रहे हो कि मेरे लिए सही अबंडेंस के मायने क्या हैं, मुझे मेरी जिंदगी को किस तरीके से जीना है, किन शर्तों पर जीना है, किन चीज़ों पर मुझे ध्यान देना है, मेरी लाइफ को लेके क्या गोल्स रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए अभी देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए लास्ट क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। सो यहाँ पे है बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग ए डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। तो कान्हा जी आपसे यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप जितना हो सके पॉजिटिव रहें। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अनवांटेड होता है, या जिसे हम बुरा कह रहे होते हैं, उसके पीछे एक डिवाइन प्लान वर्क कर रहा होता है। और समय के साथ आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं वो सही वक्त पर आपको समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा, और परेशान नहीं हो, जो भी कुछ हुआ है किसी न किसी रीज़न से हुआ है, किसी ने आपके भले के लिए हुआ है, तो पॉजिटिव आप लोगों को रहना है। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन 2, अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। एंड यहाँ पर भी अबंडेंस की एनर्जी थी, तो भाई अबंडेंस को क्लेम कर रहे हो कहीं ना कहीं, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। समझ रहे हो कि मेरी खुशी आखिर में किस में है, लाइफ पर्पस को समझ रहे हो, सोल पर्पस को समझ रहे हो, जिंदगी को जीना कैसे है, जिंदगी के सही मायने आपके लिए क्या हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हो, अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को प्रायोरिटी देना। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। सोचने का तरीका बदल रहा है, समझने का तरीका बदल रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, फ्लेक्सिबल आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हो रहे हो।
बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं ये अपने आप में. और अगर चाहो तो इन सबके बीच आप लैब्राडोराइट से, ये है लैब्राडोराइट, ठीक है, आप ये ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो. ये बहुत ही मैजिकल स्टोन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये स्टोन है. आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ो पहले अच्छे से, लैब्राडोराइट इसका नेम है. और जब आपको लगे कि यस आपको ये लेना चाहिए, आप लोग इसे अपने लिए ले सकते हो. ये किस तरीके से आपकी लाइफ में आके मैनेज मतलब मैजिक करता है ना, ये खुद भी नहीं पता चलता. ट्रांसफॉर्मेशन का ये स्टोन है, स्पिरिचुअलिटी का स्टोन है, बहुत ही अच्छा है. तो आप लोग अपने लिए ले सकते हो. एंड ऑप्शन टू ये है आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी. सो लाइक ज़रूर कर दें इस रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. एंड यस, अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय.